कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको वेज हक्का नूडल्स की रेसिपी बताएंगे। तो आपको पता ही है कि हम कल मार्केट गए थे, तो वहाँ से हम दो पैकेट नूडल्स के लेके आए हैं। तो आज हम वो घर में बनाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि हम नूडल्स कैसे बनाते हैं घर में। सो चलिए आपको लेके चलते हैं। सो एक बार और, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस देखने को मिलेगी। और अगर मेरी वीडियो में कोई गलती हुई हो या कुछ आपको अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और नूडल्स बनाने की तैयारी। बंद गोभी काट लिया है और ये शिमला मिर्च रखी हुई है, इसको काट लेंगे। और ये 3 अनियन रखे हुए हैं, इसको भी काट लेंगे। और ये ग्रीन चिली है, ये हमारे घर की है, ये काफ़ी तेज़ है, लेकिन हम इतनी नहीं डालेंगे, थोड़ी डालेंगे, थोड़ी सी हमने काट के रखी हुई है। तो चलिए अब हम शिमला मिर्च को चॉप करते हैं। तो ये देखिए, अब हम शिमला मिर्च को चॉप करने लगे हैं, इसको बारीक बारीक चॉप करना है, लंबा सा। तो अब हम सभी शिमला मिर्च को चॉप कर लेते हैं। तो देखिए, हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम जो नूडल्स लेके आए थे, इसको बॉईल करेंगे। तो तब तक यहाँ पे सब्जी शिमला मिर्च कट रही है, तो मैंने इधर पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसको ढक देते हैं ऊपर से, ढक देते हैं तो पानी जल्दी बॉईल हो जाएगा। तो देखिए, अब हमने हमारी ये शिमला मिर्च कट कर ली है हमने लंबी लंबी। अब हम प्याज को कट कर रहे हैं और साथ में ग्रीन चिली भी कट कर ली है। तो हमने सिर्फ 3 बड़े बड़े प्याज लिए हैं। तो ये हम नूडल बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, जो कल हमने मार्केट से लेके आए तो हमने आपको बताया था, तो आज हम इस नूडल्स को बनाएंगे। ये एक जो पैकेट था वो मैंने निकाल लिया है, ये दूसरा पैकेट है। तो चलिए हम इसको भी निकाल लेते हैं। अभी पानी देख रहे हैं, पानी गर्म हुआ है कि नहीं। तो पानी हमारा अभी उबलने ही वाला है बस थोड़ी देर तक, तो फिर हम इसको पानी में डाल के बॉइल कर लेते हैं। लहसुन चाहिए। तो देखिए, अब हमने सारी वेजिस काट ली हैं। ये हमारा बंद गोभी, ये शिमला मिर्च, ये प्याज और ये ग्रीन चिली। अगर आपके पास कैरेट है वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन इस टाइम हमारे पास नहीं। तो आप देख सकते हो कि मैंने नूडल्स पानी में उबालने के लिए डाल दिए हैं। मेरा पानी उबल रहा था, मैंने नूडल्स डाल दिए हैं इसमें उबलने के लिए, बॉयल करने के लिए। तो इसे उबलने दीजिए, इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, बस ये 2 मिनट में ही उबल जाएंगे। तो देखिए, हमारे नूडल्स अब उबल चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं किसी खुले से बर्तन। तो देख सकते हो आप, अब हमने इसको बड़े से बर्तन में निकाल लिया है। थोड़े से और बचे हैं, वो भी निकाल लेते हैं। तो अब हमने अपने जो नूडल्स बॉयल किए थे वो सारे
निकाल लिए हैं, ये देख सकते हो आप। तो अब आप ये जब जैसे ये ठंडे हो जाएंगे तो ये आपस में चिपक जाते हैं, तो ना चिपके इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे कि ये चिपके ना आपस में, अगर चिपक जाएंगे तो या फिर टूट जाएंगे। तो देखिए हम इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर रहे हैं। अगर आप तेल ऐड नहीं करना चाहते तो आप जैसे ही हमने गर्म पानी से निकाले हैं तो आप ठंडे पानी से इसे निकाल लीजिए, तब भी ये नहीं चिपकते। लेकिन हमने ऑयल डाला है, ऑयल के साथ इसको सारा ऑयल इस पर स्प्रेड कर देंगे, फिर इसको मिला देंगे तो ये आपस में फिर नहीं चिपकेंगे। सो आप देख सकते हो देखिए अब हमारे नूडल ठंडे हो चुके हैं। अब इसको बनाने की तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई में हमने तेल रख दिया है जो कि गर्म हो चुका था, उसमें हमने लहसुन डाल दिया है थोड़ा सा और साथ में हमने ग्रीन चिल्ली डाल रहे हैं इसमें, तो इसमें ग्रीन चिल्ली ऐड कर दी है। थोड़ी देर इसको पकने देते हैं, इसको ज़्यादा इसका कलर ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ऐसे कच्चा ही रहने देना है कि लहसुन का फ्लेवर और ग्रीन चिली का फ्लेवर आए। तो अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। देखिए हमने इसमें प्याज डाल दिए, थोड़ा सा इसको हिला देते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे प्याज थोड़े थोड़े पक रहे हैं, इनको ज़्यादा नहीं पकाना, इनको भी थोड़ा सा ही पकाना है। तो देखिए हमारे प्याज पक चुके हैं, अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देते हैं। देखिए अभी इसको भी पका लेते हैं, शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाना, ये बस थोड़ा सा ही इसको पकाना है। जब हम इसमें नूडल डालें तो इसमें क्रंची का टेस्ट आए, ये शिमला मिर्च मुँह में जब क्रंची आती है तो वो अच्छी लगती है फिर। तो एक बात और है कि अगर आप जब भी शिमला मिर्च अगर आपने नूडल्स बनानी हो उसमें शिमला मिर्च डालनी हो तो शिमला मिर्च के बीच जो बीज होते हैं उसको आप निकाल दें, उसको साथ में मत काटें, क्योंकि वो इसमें अच्छे नहीं लगते, ना ही वो खाने में अच्छे लगते हैं और ना ही जब हम बनाते हैं तो फिर उसमें अच्छी तरह से वो पकते नहीं हैं, उसका अलग ही वो दिखाई देते हैं। तो बिना बीज के शिमला मिर्च को ऐसे लंबा लंबा काट लीजिए। तो फिर इसको देखिए अब हमारी शिमला मिर्च भी पक चुकी है, अब हम इसमें कैबेज बंद गोभी डाल रहे हैं। अगर आपके पास कोई और भी सब्जियां हैं तो आप उसको और भी डाल सकते हो, तो हमारे पास यही थी, हमने यही डाली है। अगर आप इसमें जितनी ज़्यादा सब्जी डालोगे उतनी ही हेल्दी बनेगा, जैसे बच्चे नूडल्स खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो ऐसे बच्चे कोई सब्जी नहीं खाते, अगर आप नूडल्स में ढेर सारी सब्जी डालेंगे तो वो उसको खाएंगे तो वो उनके लिए अच्छा होगा। और ये नूडल्स जो हम बना रहे हैं ये सबसे हेल्दी नूडल्स है क्योंकि हमने इसमें भी सब्जी डाली हुई है। तो देखिए अब हमारा बंद गोभी पक चुका है, हमने इसमें नमक ऑलरेडी डाल दिया, वो मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। तो अभी हमने इसमें डाली है ब्लैक पेपर डाला है इसमें, तो अब इसको मिला लेते हैं। तो अभी हम इसमें डाल रहे हैं नूडल्स सारे नूडल्स डाल दिए हमने इसमें।
हम इसको मिला लेते हैं। फिर देख सकते हो कि मुझे तो वेजिस में मिलाया जाए। इसमें डालेंगे विनेगर, ये देख सकते हो ये थोड़ा सा विनेगर डाल दिया। तो अब हम डाल रहे हैं इसमें सोया सॉस। सोया सॉस थोड़ी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये कलर के लिए। तो अभी हम इसको मिक्स कर देते हैं विनेगर और जो सोया सॉस डाला है हमने इसमें। इसकी आग थोड़ी सी कम कर देते हैं। तो गैस सिम कर दिया है हमने, इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि इसका कलर कैसे चेंज हो गया है। बस अब थोड़ी देर में हमारे नूडल्स बन जाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे केचप थोड़ा सा अपने टेस्ट के अनुसार। अगर कोई पसंद ना करता हो तो वो मत डालें, लेकिन हमारे घर में पसंद करते हैं तो हमने डाल दिया है थोड़ा सा। तो देखिए हमारे नूडल्स अब बन के रेडी हो चुके हैं, तो अब हम सभी को सर्व कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने प्लेट लगा दी है। तो आप ये देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अभी चलिए खाते हैं, फिर देखते हैं खा के कि अच्छे बने हुए हैं कि कैसे बने हुए। तो चलते हैं। तो गाइस जो आज मैं हमने अपने घर में नूडल्स बनाए थे वो बहुत अच्छे बने थे और बहुत टेस्टी भी थे। तो मैं किसी का रिव्यू नहीं ले सकी क्योंकि जब जैसे ही हम नूडल बना के आए थे तो हमारे घर में कुछ गेस्ट आ गए थे, तो हमने सिर्फ उनको सर्व करने पर सर्व किया, प्लेटों में डाल के सबको दिया। तो उन्हें को भी हमारे ये नूडल्स बहुत पसंद आए और उन्होंने भी बहुत इंजॉय करके खाए। सो आज का ये वीडियो लिंक बस यही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार मैं फिर से बोलूँगी, सो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन उसको लाइक नहीं करते हो, सो प्लीज़ लाइक जरूर करना। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।